हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक स्टाइल में और एक बहुत डिफरेंट टेस्ट के साथ मोमोज की रेसिपी। और इस मोमोज का नाम है कांदा झुनका मोमोज की रेसिपी। ये बहुत यूनिक स्टाइल में बनने वाली मोमो है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने एक कढ़ाई लिया, उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। और आज हम इस रेसिपी की जो फीलिंग है वो सरसों के तेल से बना रहे हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा इसे टेस्टी बनता है। उसके बाद फिर वो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर उसी तेल में हम इसमें 1 छोटा चम्मच इसमें हमने मस्टर्ड सीड यानी कि हमने इसमें सरसों डाल दिया था। जब सरसों अच्छे से चिटकने लगेगा उसके बाद फिर इसी में 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है, उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद फिर इसी में मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें अदरक लहसुन को एक साथ मैंने इसमें कूट लिया था, वो भी हम इसी में एक साथ डाल देंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। डाल करके अच्छे से भून लेंगे। जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएगा उसके बाद फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने एकदम बारीक बारीक लंबे लंबे ऐसे स्लाइस में कट कर लिए थे। और कट करने के बाद फिर हम इसको में एक साथ डाल देंगे। और डाल करके इसको हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे। हल्का सा हमें इसको गलाना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा प्याज ये देखिए हल्का सा थोड़ा सा देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, जब ये इस स्टेज पर आ जाएगा 1 से 2 मिनट अच्छे से जब ये भुन जाएगा उसके बाद फिर इसी में ही हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने बेसन डाल दिया था। 2 बड़े चम्मच बेसन डालने के बाद बेसन गैस के फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे, ताकि हमारा जो बेसन है उसका जितना भी कच्चापन होगा वो एकदम अच्छे से निकल जाए। तब तक हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और बेसन भूनने के बाद इसकी बहुत सौंधी से एकदम खुशबू आने लगती है, तब तक हम इसको बेसन को अच्छे से भूनते रहेंगे। जब हमारा बेसन 80% तक भून जाएगा उसके बाद फिर हम इसी में नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप चाहे तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च का भी डाल दें, उससे उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसको बहुत ज़्यादा वो तीखा भी नहीं होता है। और 1/2 छोटा चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। डाल करके अच्छे से हम इसको भून लेंगे और अच्छे से हम इसको मसालों के साथ भून लेंगे, ताकि प्याज और बेसन अच्छे से मसालों के साथ भून जाए। जब बेसन प्रॉपर अच्छे से एकदम भून जाएगा, जब खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर इसी में हम इसमें 1/2 ग्लास इसमें मैंने पानी डाल दिया था। पानी डाल करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जो इसकी फीलिंग है इतनी पतली है, जब तक एकदम गाढ़ी एकदम सूखी से नहीं बन जाती तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर ऐसे बराबर चलाते रहेंगे। और चला चला करके ये देखिए हम इसको इस तरीके से एकदम गाढ़ा एकदम सूखा सा कर लेंगे। और ये जो साइड साइड में लगता जाएगा उसको भी हम वापस से उसे कढ़ाई में डाल देंगे और डाल करके अच्छे से हम इसको ऐसे भून लेंगे। जब प्रॉपर अच्छे से भून जाएगा उसको फिर हम एक बाउल में खाली कर देंगे और एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये हमारी फीलिंग एकदम अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद फिर इसी में हम 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम कांदा झुनका मोमो बना रहे हैं तो बिना इसमें एक्स्ट्रा प्याज के तो ये हमारा मोमोज़ एकदम इनकम्प्लीट होगा, इसलिए हम इसमें ऊपर से भी और प्याज इसमें हम डाल दे रहे हैं। डाल करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये हमारी कांदा झुनका मोमोज़ की हमारी ये फीलिंग बन करके रेडी हो गया है। उसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे और उसके बाद अब हम इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने बहुत सारे मोमोज़ की रेसिपी डाली है। हम मोमोज़ का डो कैसे तैयार कर सकते हैं आप मेरे उस रेसिपी को देख सकते हैं और मैं उस रेसिपी का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद उसी डो से हम छोटा सा एक लोई लेंगे, जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं पूड़ी के तरीके से हम इसको इस तरीके से बेल देंगे। पहले हम 3 से 4 ऐसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको एक बड़ी सी रोटी जैसे को बड़ी सी रोटी बना लीजिए और एक किसी ग्लास या कटोरी के थ्रू आप इसको ऐसे छोटा छोटा आप इसको कट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे 4 से 5 पहले पूड़ी बना करके रख लीजिए। जब इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे उसके बाद फिर हम इसमें मोमोज़ का शेप देंगे। मैंने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने उसमें 4 से 5 तरीके के मोमोज़ के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। आपको जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है आप उस डिज़ाइन से इस मोमोज़ को बना सकते हैं। मैं इसको मोदक के शेप में बना रही हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा मोमोज़ बन करके रेडी हो गया है। जब पहले सभी एक साथ ऐसे मोमोज़ को बना करके हम रख लेंगे उसके बाद फिर हम इसको स्टीम करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये मोमो इस तरीके से बन करके पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसको चलते हैं स्टीम करने के लिए।
स्टीम करने के लिए मैंने एक छन्नी लिया था, उसी के ऊपर अच्छे से ऑयल से इसको मैंने ऑयल लगा लिया था और फिर हम इस तरीके से मोमोज को लाइन से लगा देंगे। के बाद फिर मैंने एक बर्तन रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। जब पानी हमारा एकदम अच्छे से जब बॉयल होने लगेगा फिर उस छन्नी को हम उसी बर्तन के ऊपर रख देंगे और रख करके हम इसको ढक देंगे और ढक करके मीडियम फ्लेम पर हम इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से हम इसको स्टीम होने देंगे। इसको बीच में हम बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे और जब 7 से 8 मिनट हो जाएगा तो ये देखिए हमारा ये कांदा झुनका मोमोज हमारा बन करके रेडी हो गया है। ये एक महाराष्ट्रीयन स्टाइल में बनने वाली मोमोज है, ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में भी है। तो फिर आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाली ये मोमोज है। ये फिर आप इसे गर्मा गर्म शेजवान सॉस या फिर आप इसे मेयोनीज के साथ आप इसे सर्व करिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली ये मोमोज की रेसिपी है और ये बहुत ज़्यादा ये एकदम यूनिक रेसिपी है कि शायद ही कभी आपने इस तरीके का मोमोज सुना भी होगा या फिर आपने खाया होगा। तो फिर बिना देरी किए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको एक पीस मोमोज तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी ये अंदर की जो फिलिंग है वो बिल्कुल कितना अनियन से एकदम बिल्कुल कांदा से भरा हुआ है, जो कि देखने में कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है। तो फिर आप भी ये यूनिक स्टाइल में बनने वाली मोमोज को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड